पिछले 7-8 साल से हरियाणा में भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने सभी लोगों को मौका दिया कि वो लोग लड़ें, क्योंकि वो देश स्तर का चुनाव था। असेंबली चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क है। हमारी पार्टी ने वहाँ लंबे समय से तैयारी की है और अच्छे मजबूत काम करने वाले, जिनकी खुद की पहचान है क्षेत्र में, जिन लोगों ने काम किया है, ऐसे अच्छे प्रत्याशी। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संघर्ष हमारे साथ है। वहां की स्टेट की टीम ने मजबूती से जिला विधानसभा बूथ सेक्टर का संगठन बनाया, उसके जरिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी और जो अलायंस जेजेपी के साथ हमारा हुआ, मिलके जो है एक मजबूत विकल्प जो है हरियाणा में बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, पार्टी ने जो तय किया है कि 20 सीटें वो सीटें हैं जिनमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं, जिसके जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय आधार हमारे साथ हैं, जिनकी तैयारी हमारी एक नंबर की है, उन सीटों पे ही हमने तय किया कि हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से लंबे समय से हम लोगों ने काम किया, पाठशाला चला के, जनहित के मुद्दों पे सवाल खड़े करके, आंदोलन करके, चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे बैकलॉग का मामला हो, लेटरल एंट्री, संविदा, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी के जरिए जो पक्की नौकरियां खत्म करके कच्ची नौकरियां दी जा रही, इनके विरोध में आंदोलन हो, चाहे बढ़ती महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे महिला सशक्तिकरण सुरक्षा का विषय हो, चाहे किसानों की फसलों का दाम हो, या मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की बात है, अच्छे जो हमारी पॉलिसी में है कि गरीबों के लिए अच्छे स्कूल खुलें, किसान का बेटा भी, मजदूर का बेटा अच्छी पढ़ाई कर पाए, अच्छे हॉस्पिटल मिले जिनमें इलाज की व्यवस्था प्रॉपर जो है, वहाँ मशीनें हों जाँच के लिए, चाहे वो ECG हो, अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरे मशीन हो, तमाम चीज़ों पे लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा भरोसा है कि जो जिस नीतियों पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। देखिए, हमने बिहार में भी चुनाव लड़ा है, बिहार में भी पार्टी को जो है अच्छे वोट मिले थे, वो हमारा फर्स्ट इलेक्शन था। हमने यूपी में भी चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ा। राजस्थान में जो 2023 का था असेंबली, हम लोग 3-4 सीटें बहुत कम अंतर से हार गए और 12-13 सीटों पर हम लोग तीसरे नंबर पर रहे। फिर यूपी में पार्लियामेंट का जब चुनाव आया, तो देश का चुनाव था, तो हमने 2 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़े, जिसमें हम एक जीते, जिसमें हमारे सामने एक तरफ एनडीए अलायंस था, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस था, और बहुजन समाज पार्टी भी हमारे खिलाफ लड़ी, और दूसरी सीटों पर हमें लगभग 80,000 से ज्यादा वोट मिले। जो काम संघर्ष भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने किया, जनता ने अब उनको वोट के रूप में आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। तो अब हम विस्तार कर रहे हैं। जो सफलता हमें हरियाणा में हाथ नहीं लगी, मेरा भरोसा है, राजस्थान में हमें नहीं मिली, वो हरियाणा से हमारे हिस्से में आएगी, क्योंकि हरियाणा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और क्योंकि मेरे घर के करीब है, बिल्कुल सहारनपुर से जुड़े हुए बहुत सारा क्षेत्र है हरियाणा का, जिसमें पंचकुला है, अम्बाला है, जमुनानगर है, यमुनानगर जगाधरी है, करनाल है। तो मेरा भरोसा है कि इस बार जो है पहली सफलता और पहला जो है जो असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेशन, वो हरियाणा के जरिए जाएगा। यूपी की मुख्यमंत्री होगी आदित्यनाथ। सेंटर में तीसरी बार उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उनकी सरकार है, कई और स्टेटों में सरकार है। वो भय की राजनीति करते हैं, डरा के लोगों को वोट लेना चाहते हैं, जबकि उनकी खुद की सरकार है और तमाम तरह से बुलडोजर और तमाम तरह की जो कानूनी कार्रवाई वो करते हैं, जो संविधान के, लोकतंत्र के, न्याय प्रक्रिया और न्यायपालिका के विरोध में होती है, उसके बावजूद भी वो जनता को डराना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उत्तर प्रदेश में आज ही 2 बड़ी घटनाएं, एक कल घटी है, जहां 4 साल के बच्चे का अयोध्या में रेप हुआ है, और फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों को एक ही जो है चुन्नी से मार के लटका दिया गया है। जिन मुख्यमंत्री कार्यकाल में बेटियां सुरक्षित ना हो और छोटी छोटी बच्चियों पर अन्याय अत्याचार हो, उनकी हत्याएं हो, उनके साथ रेप हो, उन मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर बढ़ के भी अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। वहां मुख्यमंत्री फेल नजर आते हैं, और घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए 49 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पुलिस भर्ती में जब घोटाला हुआ था, हमारी मांग पर उन्होंने दोबारा से पुलिस भर्ती कराई, और तमाम तरह के ऐसे विषय हैं जिन पे उनको जवाब देना चाहिए। वो समझदार आदमी हैं, तो वो सोचते हैं कि पहले से इस तरह की बात कर दिया, जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हट जाए। किसानों को बाढ़ से बड़ी परेशानी हुई, फसलों का बहुत नुकसान हुआ, मुआवजे के नाम पे कोड़ियां दिखाई गई,
मैं जिस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत के आया हूँ वहां पर गुलदारों का बहुत बड़ा हमला है। मैंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, स्टेट मिनिस्टर को भी लिखा है, तमाम तरह से जो है इंसान 24 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में कम चिंतित हैं, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा चिंतित है। मैं समझता हूँ उनकी चिंता लाजमी भी है कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। अब जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो जनता सोच समेत उनसे हिसाब करेगी। देखिए बहन जी हमारी बड़ी नेता है, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। मेरी नजरों में उनका जो व्यक्तित्व है वो महापुरुष की जैसा है। उन्होंने बहुत काम किया है और एक लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अधूरे काम को हम लोग पूरा करें। काशीराम साहब बाबा साहब का सपना भी अधूरा है। अभी माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न नहीं मिला है, भारत रत्न नहीं मिला। दूसरा उनके जो सपने थे कि वंचित वर्ग के लोगों को बुनियादी सुविधा सम्मान मिले, हमारा ये हमने कोशिश की है कि हम हर नौजवान के घर तक ताकत बना के सत्ता में आके हरियाणा के हर नौजवान के हाथ तक रोजगार पहुंचाए। बेटियों को माओ को जो घर पर रोजगार करना चाहती रोजगार की व्यवस्था कराएं, उनको सशक्त करें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। किसानों की समस्या और तमाम जो भी समस्या उन पर हम लोग काम करें। हमारी पॉलिसी में है कि सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, जिससे गरीबों के साथ को आसानी से इलाज और एजुकेशन तो मिले लेकिन साथ साथ जो है जो जेब की कटाई होती है प्राइवेट हॉस्पिटल वो भी बंद हो। तो हम अपनी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और वो भी अपनी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और मेरा भरोसा।